नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चतुर्थ भाव या चतुर्थ स्थान के बारे में चर्चा करेंगे या उसके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। आज हम जातक के गौ दत्तक जाने के योग के बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो गौ दत्तक जाने के योग कई होते हैं, परंतु यह सात जातकों की कुंडली में अधिकतम देखने को मिलते हैं। पहला, कर्क या सिंह राशि में पाप ग्रह होने से, जैसे कि इस कुंडली में कर्क राशि में राहु और सिंह राशि में शनि है। दूसरा, चंद्रमा या रवि को पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट होने से। तीसरा, चतुर्थ और दशम स्थान में पाप ग्रह के जाने से। चौथा, मेष सिंह धनु और मकर इन राशियों में से किसी भी राशि के चतुर्थ या दशम भाव में जाने से। उसी तरह पांचवा, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह के रहने से। छठा, रवि से नवम या दशम स्थानों में पाप ग्रह के जाने से। और सातवा, चंद्रमा अथवा रवि के शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों से युक्त होने से जातक दत्तक गोंद जाता है। किसी किसी का मत है कि चतुर्थ से विद्या का और पंचम से बुद्धि का विचार करना चाहिए। विद्या और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। दशम से विद्या जनित यश का तथा विश्वविद्यालयों की उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त करने का विचार किया जाता है। पहला, चंद्रमा लग्न एवं जन्म लग्न से पंचम स्थान का स्वामी बुध गुरु और शुक्र के साथ 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थानों में बैठा हो तो जातक विद्वान होता है। दूसरा, चतुर्थ स्थान में चतुर्थेश हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि हो या वही शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक विद्या विनयी होता है। तीसरा, चतुर्थेश 6, 8, 12 स्थानों में हो या पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह से दुष्ट हो अथवा पाप राशिगत हो तो विद्या का अभाव समझना चाहिए। मृत्यु योग, यदि शुक्र या चंद्रमा बलि होकर शुभ ग्रह द्वारा दुष्ट हो और शुभ ग्रह वर्ग में हो तथा केंद्र में स्थित हो और चतुर्थ ग्रह में सबल हो तो जातक की माता दीर्घायु होती है। बल हिंसुकेश षष्ठ स्थान में हो अथवा द्वादश स्थान में स्थित हो और लग्न में पाप दुष्ट पाप ग्रह हो तो माता को मृत्यु शीघ्र होती है। शिन चंद्रमा अष्टम षष्टम और व्यय में पाप ग्रह से युक्त हो तथा चतुर्थ भाव भी पाप ग्रह से युक्त हो तो माता की मृत्यु शीघ्र होती है। चतुर्थ स्थान में शनि हो, पाप ग्रह उसे देखता हो, अष्टमेश शत्रु ग्रह में अथवा नीच स्थान में हो तो माता की मृत्यु होती है। तृतीय और पंचम भाव में पाप ग्रह हो, चतुर्थ शत्रु राशि या नीच राशि में स्थित हो अथवा चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो तो माता को रोग होता है। तृतीयश के साथ चंद्रमा अष्टम स्थान में स्थित हो तो जातक की माँ की मृत्यु जन्म लेने के कुछ दिन की उपरांत हो जाती है। सुकेश और नवमेश पाप स्थान में हो अथवा लग्नेश बलि हो तो माता पिता दोनों के मृत्यु का योग होता है। चतुर्थेश मृत्यु कारक उसके सहचर चतुर्थश्च और चतुर्थी दर्शी इन ग्रहों के जो ग्रह सबसे अधिक अनिष्ट सूचक हो उसकी महादशा या अंतर्दशा में जातक की माता का मरण होता है। स्पष्ट सूर्य में से स्पष्ट चंद्रमा को घटाकर जो राशि अंश आदि अवशिष्ट हो उसके राशि अंश में जब बृहस्पति रहता है अथवा शनिश्चर स्थित रहता है तो माता का मरण कहा जाता है। चंद्रमा के अष्टम राशि के स्वामी में यम कंटक हो घटाकर जो शेष बचे उस राशि में शनि और उस अंश में सूर्य जब प्राप्त हो तब माता की मृत्यु कहनी चाहिए। वाहन विचार, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव बलि हो, शुभ ग्रह से दुष्ट हो तो वाहन का सुख होता है। सुकेश सुख में बुध के साथ हो, शुभ ग्रह उसे देखता हो अथवा शुभ ग्रह की राशि अथवा अंश में हो तो मोटर की प्राप्ति होती है।
चंद्रमा लग्न से संबंधित हो, सुकेश से युक्त हो तो उसे जातक को घोड़े का सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा लग्न से संबंधित हो, सुकेश से युक्त हो तो उस जातक को घोड़े का सुख प्राप्त होता है। द्वितीय या चतुर्थ भावगत शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो तो मोटर की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के साथ लग्न में हो, लग्न से युक्त हो अथवा चतुर्थेश शुक्र से युक्त लग्न में स्थित हो तो श्रेष्ठ वाहन की प्राप्ति होती है। शुक्र चंद्रमा और चतुर्थेश लग्न के साथ हो तो मोटर आदि श्रेष्ठ वाहन उपलब्ध होते हैं। बृहस्पति सुकेश चंद्रमा और शुक्र एकत्र होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो श्रेष्ठ वाहन उपलब्ध होता है। चतुर्थेश केंद्र में और उस केंद्र का स्वामी लग्न में हो तो उत्तम वाहन को प्राप्ति होती है। दशमेश एकादश भाव में और लाभेश दशम भाव में स्थित हो तो श्रेष्ठ वस्त्र भूषण और वाहन उपलब्ध होता है। बुध अपने उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में विद्यमान हो तो विद्या वाहन संपत्ति और विपुल वन उपलब्ध होता है। चतुर्थेश शत्रु स्थान या निज स्थान में होकर पाप भाव में स्थित हो और उसको नवमेश देखता हो तो सामान्य वाहन उपलब्ध होता है। नवम दशम और लग्न में स्थित उच्चगत शुभ ग्रह लग्नेश से दुष्ट हो तो वाहन सुख माना जाता है। यदि गुरु या चतुर्थेश दुष्ट स्थान में पाप युक्त ग्रह अष्ट या नीच ग्रह में हो तो वाहन का योग नहीं होता है। यदि चतुर्थेश और दशमेश बलवान होकर लाभ भाव में स्थित हो या चतुर्थ स्थान को देखते हो तो उत्तम वाहन की उपलब्धि होती है। यदि धर्मेश और सुकेश लग्न से संबंधित हो और उन्हें बृहस्पति देखता हो तो जातक को सम्मान प्राप्त होकर और उत्तम वाहन भी मिलता है। नवमेश और चतुर्थेश यदि बलवान हो, शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को मोटर या आदि वाहन उपलब्ध होते हैं। सुकेश बृहस्पति अथवा शुक्र बलवान होकर लग्न से नवम भाव में प्राप्त हो, नवमेश त्रिकोण या केंद्र में स्थित हो तो जातक बहुत वाहन से युक्त होता है।